फ्रेंड, आज हम लोग जो पढ़ने जा रही है वो है कलर ग्लास। मतलब है ग्लास जो होता है ना, ग्लास एक्चुअली व्हाइट कलर का ही होता है, लेकिन हम लोग इस टाइम में क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में होता है। तो ये डिफरेंट कलर होने के लिए ग्लास जब मेल्ट करता है ना, उसके अंदर कोई कोई चीज़ मिलाते हैं, कोई कोई सब्सटेंस मिलाते हैं, जिसके अंदर वो ग्लास का कलर चेंज होता जाता है। तो कलर अगर रेड होगा ग्लास का, तो जब मेल्टिंग करूँगी तो उसके अंदर सिलिनियम और कॉपर ऑक्साइड CU2 ऐड करना पड़ेगा। कलर को अगर ग्रीन करना है तो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 ऐड करना पड़ेगा। कलर को अगर वायलेट करना है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 यूज़ करना पड़ेगा। कलर को अगर ब्लू करना है तो कॉपर ऑक्साइड CuO यूज़ करना पड़ेगा, और कोबाल्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। और ब्राउन कलर के लिए आयरन ऑक्साइड को यूज़ करना पड़ेगा, Fe2O3।